आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। यूपी में आज दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है। इसमें 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, जबकि उत्तराखंड में आज 70 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। वोटिंग 1 बजे तक हो चुकी है और आंकड़े भी सामने आ गए हैं कि 1 बजे तक कितनी वोटिंग हुई है। ये वोटिंग आज सुबह 8 बजे से शुरू हो गई, जो कि शाम 6 बजे तक चलेगी और 1 बजे तक के मतदान प्रतिशत 39.07% है। सभी जिलों के प्रतिशत सामने आ गए हैं। बिजनौर में 38.64% 1 बजे तक वोटिंग हो चुकी है, जबकि रामपुर में 40.6% वोटिंग हुई है 1 बजे तक। बरेली में 39.61% वोटिंग हुई है। अमरोहा में 42.36% वोटिंग हो चुकी है। संभल में 38.52% वोटिंग हुई है। सहारनपुर में 42.44% मतदान हुआ है। मुरादाबाद में 42% मतदान 1 बजे तक हो चुका है। बदायूं में 35.55% मतदान संपन्न हुआ है। शाजापुर में 35% मतदान हुआ है 1 बजे तक। आज दूसरे चरण का मतदान है। सुबह से ही वोटिंग चालू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है, जो कि शाम 6 बजे तक चलेगी। बिजनौर, रामपुर, बरेली, अमरोहा, संभल, सहारनपुर, मुरादाबाद, बदायूं, शाजापुर, सभी के आंकड़े सामने आ गए हैं। 1 बजे तक वोटिंग परसेंटेज कुल 39.07% हुआ है। 1 बजे तक मतदान के जो आंकड़े हैं वो सामने आ चुके हैं। पिछली बार के मुकाबले थोड़ा सुस्त नजर आ रही है वोटिंग। 38.64% बिजनौर में वोटिंग हो चुकी है। रामपुर में 40.6% मतदान हुआ है। बरेली में 39.61% मतदान हुआ है। अमरोहा में 42.36%, संभल में 38.52% मतदान हुआ। सहारनपुर में 42.44% मतदान हुआ है। मुरादाबाद में 42% मतदान हुआ है। बदायूं में 35.55% मतदान हुआ है। शाजापुर में 35% मतदान हुआ है। तो सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। हालांकि सुबह ठंड की वजह से कुछ सुस्त दिखी वोटिंग की रफ्तार, लेकिन अब थोड़ा संभलता हुआ नजर आ रहा है चुनाव। आज 9 जिलों के 55 सीटों पर मतदान हो रहा है। 586 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी। तो सुबह से ही मतदान करते हुए कई लोग नजर आ रहे हैं। तो वहीं बात करें दिग्गजों की, तो दिग्गज भी आज अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आए हैं। आज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड दोनों ही जगह एक साथ चुनाव है और उत्तराखंड में आज 70 सीटों पर मतदान हो रहा है। एक ही दिन में मतदान उत्तराखंड में समाप्त हो जाएगा। तो वहीं उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो 7 चरणों में मतदान हो रहा है। आज दूसरा चरण है। पहले चरण में 60% वोटिंग हुई और पिछली बार से 3% वोटिंग कम दर्ज की गई। हालांकि दूसरे चरण में ऐसा माना जा रहा है कि कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। पहले के मुकाबले इस बार अच्छी वोटिंग होगी। लोग जागरूक हो रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। बता दें कि लगातार वोटिंग हो रही है और इसमें सुरक्षा व्यवस्था का खासा ध्यान रखा गया है। कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखा गया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड दोनों ही जगह आज मतदान हो रहा है। जहां सीधी टक्कर उत्तर प्रदेश में बीजेपी और सपा के बीच मानी जा रही है, तो वहीं उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। तो वहीं सीधी चुनौती आम आदमी पार्टी भी देती हुई नजर आ रही है। पूरे दमखम के साथ उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी उतरी है और उत्तर प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस और बसपा कहीं गायब सी नजर आ रही है। लेकिन कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, जनता के हाथ में है। कुछ ऐसी भी पार्टियां जिनके साइलेंट वोटर्स कहे जाते हैं और उनका जो परिणाम होता है वो चौंकाने वाला हमेशा रहता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश दोनों ही जगह आज मतदान हो रहा है। जहां एक ही चरण में उत्तराखंड में मतदान संपन्न हो जाएगा, तो वहीं उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान है और तीसरे चरण के लिए सभी दलों ने अपनी तैयारियां जोरों पर लगा दी है। जोरों से प्रचार प्रसार हो रहा है। सभी दिग्गज जमीनी स्तर पर जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से दूसरे चरण का मतदान उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुका है, शाम 6 बजे तक चलेगा। तो वहीं उत्तराखंड की 70 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। सहारनपुर 7 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4 रही थी, 1 सपा के खाते में, 2 कांग्रेस के खाते में रही थी। ये 2017 के नतीजे हैं। तो वहीं इस बार जितने प्रत्याशी उतारे गए हैं उनके बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है।
बड़ा सुदृढ़ सशक्त और समर्थ कोई लोकतंत्र है तो वह भारत है। भारत की संवैधानिक व्यवस्थाएं, भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली, प्रजातांत्रिक मूल्य, इन सबको पूरे विश्व में सराहा जाता है। ये कि बड़े एक आनंद की बात है कि हम धर्म के प्रतिनिधि हैं और हम अध्यात्म, भारतीय संस्कृति, संस्कार, विचार और उसकी संवेदनाओं का भी प्रतिनिधित्व करते हैं हम सारे साधु। तो ये बात भी हम कहना चाहेंगे कि समर्थ भारत के लिए, सशक्त राष्ट्र के लिए, अथवा उन अच्छी योजनाओं के लिए जो जो जन जन तक जनाकांक्षाओं को पूरा कर सकें, चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के लिए सही व्यक्ति का चयन होना चाहिए। तो ये एक अधिकार भारत का संविधान भारत के नागरिक को देता है कि वो एक अच्छी विचारधारा को, अच्छे व्यक्ति को, श्रेष्ठ व्यक्ति का चयन कर सके, उस व्यक्ति को चुन सके जिसके पास चिंतन की शुद्धता हो, चरित्र की उच्चता हो, आचरण की पारदर्शिता हो, जो नेतृत्व कर सके समाज का, जो जो एक अच्छी योजनाएं लेकर आ सके और जिसका संवैधानिक मूल्यों विश्वास हो। तो मैं सन्यासी हूँ लेकिन संविधान सर्वोपरि है, मैं सन्यासी हूँ लेकिन संवैधानिक मूल्य और कानून सर्वोच्च है। तो हम संवैधानिक मूल्यों को और संवैधानिक व्यवस्थाओं को सर्वाधिक आदर देने वाले प्राणी हैं भारत के। पूरे जनपद में 1008 पोलिंग बूथों में पोलिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है और जनपद में अभी पहली जो रिपोर्टिंग हम लोगों ने की है उस हिसाब से 6 के 6 विधानसभाओं में 5.25% के करीब हमारी पोलिंग हुई है। मतदान शांतिपूर्वक हो इसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी 106 सेक्टर्स बनाए हैं और 35 के करीब जोन बनाए हैं। पूरे जनपद में मतदान सकुशल रूप से संपन्न हो इसके लिए हमें 11 कंपनी जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस की मिली हैं और पूरे जनपद में लगभग 1526 के करीब हमारे कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी इसमें लगे हुए हैं, जिसमें यूपी से लगभग 1200 के करीब होमगार्ड्स हमारे पास उपलब्ध हुए हैं। तो कुल मिला के अभी शांतिपूर्वक चल रहा है और मतदाताओं में काफ़ी उत्साह है। जिस हिसाब से आप लाइनें आप देख रहे हैं तो काफ़ी लंबी लंबी लाइनें हैं, लगी हैं शुरू के देखने को मिला। इस बार कोविड का समय है और सत्र की व्यवस्था कोरोना का देखते हुए इसमें देखें ना, वो अंदर हर उसमें सैनिटाइजर्स हम लोगों ने दिए हैं, ग्लव्स हमने दिए हैं और उसके अलावा जो फेस शील्ड वगैरह भी हमने अपने कर्मचारियों को दिए हैं और मास्क वगैरह वितरित करने के लिए जो भी हमारे वोटर्स आ रहे हैं उनको मास्क देने की व्यवस्था हम लोगों ने कर रखी है। नहीं नहीं अभी कोई ऐसी खामी नहीं, बड़े स्मूथली चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि हमारे पास पर्याप्त फोर्स है और पैरामिलिट्री की फोर्स आप देख रहे होंगे जितने भी वल्नरेबल आपके बूथ है वहाँ पर पैरामिलिट्री हमारी लगी हुई है। पुलिस का अगर देखा जाए तो 3 सुपर जोन बनाए गए हैं, 35 जोन बने हुए हैं, 106 सेक्टरों में विभाजित किया गया है पूरे जनपद को। इसमें 11 कंपनी पैरामिलिट्री की लगी हुई है, इसके अलावा 1700 होमगार्ड लगे हुए हैं और 350 बंदरों का वन रक्षक हैं और जिले की पूरी फोर्स लगी हुई है। शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है सुबह से और कोई भी छुटपुट घटना का अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं है। इसमें ATS को भी लगाया गया है, एक हमारे पूरी टीम ATS की है। इसके अलावा हर थाना क्षेत्र में 3 अतिरिक्त मोबाइल पार्टियां बनाई गई हैं, पर्याप्त मात्रा में रिजर्व फोर्स रखी गई है और DM साहब और मेरे द्वारा लगातार भ्रमण किया जा रहा है। लाल कुआं में अभी एक बूथ का देखा गया और एक बूथ का आगे हम देखने जा रहे हैं। कोविड को देखते हुए किस तरीके व्यवस्थाएं हैं? कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार फोर्स को जो सामग्री दी जानी थी वो सब पहले ही उपलब्ध करा दी गई है और उनके द्वारा उसका अनुपालन किया जा रहा है। देखिए, ये मतदान जो है ये हर भारत के नागरिक का एक अधिकार है, तो हमें अपने इस अधिकार का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। ये हमारे भारत की उन्नति के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक अच्छी सरकार बनाएँ, हमारे शहर का अच्छा नेता चुना जाए। तो जिसको भी आप उचित नेता समझते हैं आप उसके पक्ष में मतदान करिए, लेकिन अपने मत का प्रयोग ज़रूर करिए। महिलाएं तो देखिए हर चीज़ में उत्साहित रहती हैं, तो मतदान में भी सुबह सुबह देखिए आप लाइन में देख रहे होंगे कि सब लोग अपने घर का काम छोड़ के पहले मतदान करने आए हैं और बहुत उत्साहित हैं। महिलाएँ भी, बुज़ुर्ग महिलाएँ भी बहुत आ रही हैं। तो मेरा यही कहना है, सबसे यही अपील है कि अपने मत का प्रयोग ज़रूर करिए। शाम को 6 बजे तक वोटिंग है, जैसे जिसको समय मिलता है सब अपना टाइम निकाल के और अपने मत का प्रयोग करने ज़रूर आइए। देखिए ये कह रहा तो बहुत मुश्किल है क्योंकि आजकल मतदाता डिस्क्लोज नहीं करते हैं अपना कि हम किसकी तरफ हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं कि
आगे जो है हमारे वही चलते रहें तो अच्छी बात है। तो अब सबकी अपनी अपनी सोच होती है, आप ठीक है कि हमारे मोदी जी के ही पक्ष में जाए। मैंने कहा कि 100% बहुत बड़े प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत रही है। 10 मार्च को आपको पता चलेगा कि लगभग अधिकांश लोग यहाँ जमानतें जब्त हो रही हैं। ये मैं आज बड़े आत्मविश्वास से कह रहा हूँ, मेरा आत्मविश्वास देखिए ना आप, एक प्रत्याशी का आत्मविश्वास से समझ लीजिए कि यहाँ पे मतदान सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो रहा है। जनता जनता जो है उन गुंडागर्दी का जवाब दे रही है जिन्होंने शराब और मुर्गा खिलाया 6 महीने से 8 महीने से 2 महीने से 4 महीने से गुंडागर्दी जिन्होंने की है, जनता उसे चोट कर रही है। जनता भारतीय जनता पार्टी के लिए मतदान कर रही है। जो लोग यहाँ का वातावरण खराब करना चाह रहे हैं लोग उनको जवाब दे रहे हैं। लोग जो भू माफिया, जो खनन माफिया, जो जो शराब माफिया, उनको उनके खिलाफ वोट दे रही है। हमारे जैसे 15 साल से विधायक जिस पे कोई दाग ना हो उसके पक्ष में मतदान कर रही है जनता, तो एक तरफ से मतदान कर रही है। भाई साहब मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, आप भी थोड़ा कृपा करिए हमारे मतदान। मेरा मेन मतदान ये है कि जो हमारे देश को सुधारे, जो पाकिस्तान की सपोर्ट न करे, जो हमारे देश के अस्मिता को धर्म को माने, ये हमारा मतदान की इच्छा है। हाँ हमारे आसपास जितने बुजुर्ग हैं सब हमारे हमारी तरह हैं। अब वोट कौन किसको देता है वो तो वही बता सकता है, मैं तो नहीं बता सकता हूँ। तो आपने सुना जनता क्या कह रही है। जनता बता रही है कि किन मुद्दों को लेकर इस बार मतदान किया जा रहा है जो देश को आगे बढ़ाए, विकास के लिए तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिनके लिए इस बार मतदान किया जा रहा है। अच्छी विचाराधीन विकास योजनाएं, इन सभी चीजों को देखते हुए कानून व्यवस्था में सुधार लाने के लिए, संवैधानिक मूल्यों में सुधार लाने के लिए, तमाम विकास को ध्यान में रखते हुए जनता इस बार चुनाव में अपना मतदान का प्रयोग कर रही है। तो कई प्रत्याशी जनता के सामने हैं, जनता के पास बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन जनता के पास मुद्दे वही हैं। स्वास्थ्य, सुरक्षा, कानून व्यवस्था, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको देखते हुए इस बार अपने मत का प्रयोग कर रही है जनता और सही प्रत्याशी को चुनने का काम कर रही है। दावे वादे तो बहुत किए गए हैं सभी दलों द्वारा, लेकिन जनता किन चीजों को देख के किस पर विश्वास करती है और अपना मत का प्रयोग किसके लिए करती है, ये 10 मार्च को पता चलेगा। हालांकि आज जो ईवीएम में प्रत्याशियों की 586 प्रत्याशियों की किस्मत कैद होने वाली है, तो ये देखना दिलचस्प है कि जनता इस बार जो उत्साहित नजर आ रही है सुबह से ही लाइन में लग के अपने मत का प्रयोग करती दिख रही है। हालांकि कई जगह से ईवीएम खराब होने की खबरें भी सामने आई, मतदान पे असर पड़ा, मतदान रुका, बाधित हुआ, लेकिन ईवीएम की दिक्कत को दूर किया गया और ईवीएम की परेशानी को दूर करते हुए सुचारू रूप से मतदान कराया गया। तो वहीं अब इस वक्त सहारनपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सहारनपुर की नाकुड़ विधानसभा में ईवीएम मशीन खराब होने की बात सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है सहारनपुर से, जहां पे ईवीएम मशीन खराब होने की वजह से मतदान बाधित हो रहा है। सहारनपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, नाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में कई ईवीएम मशीन खराब। खराब मशीनें अभी तक नहीं हुई ठीक, बड़ी खबर सामने आ रही है, मतदाताओं में काफी आक्रोश। तो उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, सहारनपुर की बड़ी खबर सामने आ रही है, नकुड़ विधानसभा क्षेत्र में कई ईवीएम मशीन खराब हो गई हैं और अभी तक इनका समाधान नहीं हुआ है। खराब मशीनें अभी तक ठीक नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आज दोनों ही जगह मतदान हो रहा है। हालांकि उत्तराखंड में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है, अभी तक ईवीएम खराब होने की कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन सहारनपुर की नकुड़ विधानसभा में ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ रही है, जहां कई ईवीएम मशीनें खराब हुई हैं और अभी तक वो ठीक नहीं हुई है। सुबह से ये ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ रही है, सहारनपुर के नकुड़ में ईवीएम खराब हुई है। बदायूं के गन्नौर विधानसभा में भी ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ चुकी है, मकसूदपुर में भी प्रदर्शन देखने को मिला है। तो यूपी के कई ऐसे जिले हैं जहां पे आज
शांति नहीं देखने को मिल रही है, कुछ ना कुछ आक्रोश देखने को मिल रहा है। कहीं ईवीएम को खराब होने की वजह से लोगों में आक्रोश है, तो कहीं पे विकास और सड़कों के मुद्दे को लेकर लोग विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं चुनाव का। तो इस वक्त सहारनपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नकुड़ विधानसभा में ईवीएम खराब होने की वजह से लोग आक्रोशित हो गए हैं, क्योंकि अभी तक सुबह भी ईवीएम खराब होने की खबर सामने आई थी और अभी तक ईवीएम ठीक नहीं हुई है। कई जगह से ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ रही है। नकुड़ विधानसभा क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है, सहारनपुर का नकुड़ विधानसभा क्षेत्र है, बड़ी खबर सामने आ रही है। कई जगह से ऐसी खबर सामने आ चुकी है जहां पे ईवीएम खराब हुई है, तो वहीं कुछ लोग भी चुनाव का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, सड़क नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं, विकास के लिए वोट करने की मांग कर रहे हैं। नकुड़ विधानसभा से ये खबर सामने आ रही है और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता सुहेल गौर जुड़ चुके हैं। सुहेल, जो ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ रही है, मतदाता काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? हेलो जी सुहेल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? दोबारा बोलिए प्लीज मैम। जी सुहेल जी, मतदान केंद्रों पर ईवीएम खराब होने की सुबह से खबरें सामने आ रही हैं, तो क्या अभी तक इनका समाधान नहीं किया गया है? जी बिल्कुल बिल्कुल जी का, मैं आपको बता दूं, देखिए नकुड़ विधानसभा क्षेत्र में जो है कई ईवीएम एक साथ खराब होने की जो है सूचना आई थी, और सुबह के समय जो है बूथ संख्या 125, बूथ संख्या 40, बूथ संख्या 77, बूथ संख्या 61 और बूथ संख्या 62, यानी कि पांच जो मतदान केंद्र है उन पर जो है ये ईवीएम खराब होने की जो है सूचना आई थी। खराब मशीनों के कारण जो है वहाँ के जो मतदाता थे उनमें काफी आक्रोश था और वो काफी आक्रोश में थे, लेकिन जो है एक घंटे तक लगातार जो है प्रयास किया गया प्रशासन के द्वारा, और उसके बाद जो है इन्हें मशीनों को ठीक करके सुचारू रूप से जो है मतदान दोबारा जो है खोल दिया गया। जी तो कितनी देर तक मतदान बाधित रहा है जब इससे पहले ईवीएम खराब हुई, और इस वक्त जो ईवीएम खराब हुई है क्या लग रहा है कितनी देर में ईवीएम ठीक हो जाएगी? जी आपको बता दें कि ये लगभग 2 घंटे के लिए जो है चुनाव बाधित रहा था, तो जिससे कि जो है मतदाताओं में जो आक्रोश फैल गया था, लेकिन जो है उसके बाद जो है 2 घंटे के बाद प्रशासन ने जो है उन्हें ठीक करने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी थी, जिसमें से जो है 3 ईवीएम को जो है सुचारू कर दिया गया था, चालू कर दिया गया था, और उसके बाद जो है बाकी जो 2 ईवीएम है 1 घंटे के बाद उन्हें भी सुचारू रूप से चालू कर दिया गया था। जी जी तो जो मतदाता हैं उनका मतदान बाधित हो रहा है, लाइन में लगे हुए हैं, उनकी क्या मांग है? वो आक्रोशित नजर आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस वक्त वो? देखिए मतदाताओं ने उस समय तो बहिष्कार की बात की थी और वोट डालने से वो बिल्कुल साफ मना उन लोगों ने कर दिया था कि हम लोग जो है वोट नहीं डालेंगे क्योंकि हमारा चुनाव जो है जानबूझकर बाधित किया जा रहा है। लेकिन जब प्रशासन द्वारा उन्हें समझाया गया और प्रशासन ने बताया कि ये एक जो है टेक्निकल प्रॉब्लम है जो कि ईवीएम में आ जाती है और उसके लिए जो है बैकअप और रिजर्व ईवीएम जो है हमारे पास रखी हुई है, कि हम ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, अगर ठीक नहीं होती है तो ईवीएम बदल दी जाएगी। तो प्रशासन के जो है समझाने के बाद उसके बाद सुचारू रूप से वहाँ पर दोबारा जो है मतदान शुरू हो गया। जी सुहेल, जितनी देर मतदान बाधित रहा है क्या शाम में ज्यादा समय दिया जाएगा ताकि मतदाताओं को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, वो अपने मतदान का प्रयोग कर सके? देखिए अभी तक प्रशासन की तरफ से हमारे पास ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं हुई है कि वहाँ पर कोई समय को जो है बढ़ाया जाएगा, लेकिन जैसा भी होगा हम अपने जो है बताने का प्रयास करेंगे। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता सुहेल गौर जुड़े थे। तो उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला होना है, आज ईवीएम में कई प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो जाएगी। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है, शाम 6 बजे तक वोटिंग चलती रहेगी, और कई जगह से जो ईवीएम खराब होने की खबरें भी सामने आ रही हैं और उनको कुछ देर असुविधा तो देखनी पड़ रही है मतदाताओं को, लेकिन जल्द ही उन्हें ठीक कर दिया जा रहा है। जो रिजर्व में रखी हुई ईवीएम होती है उन्हें एक्सचेंज करके दिक्कतों को ठीक करने का काम किया जा रहा है, लेकिन जो ये समस्याएं आ रही हैं इसको देखते हुए मतदाता काफी परेशान हो जा रहे हैं, क्योंकि दिन का समय है और दिन में ही ज्यादा वोटर अपने घरों से निकलते हैं मतदान के लिए, क्योंकि ठंड का समय है और सुबह कोहरे की वजह से ही लोग कम और देरी से निकलने की कोशिश करते हैं, और अब जब वो घरों से निकल रहे हैं तो ईवीएम खराब होने की वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
और इसी बीच फरीदाबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कुछ लोगों द्वारा रेहड़ी वाले को पीटा गया है। बड़ी खबर सामने आ रही है फरीदाबाद से। फरीदाबाद में कुछ लोगों ने रेहड़ी चालक को पीटा, दो लोग गंभीर रूप से हुए घायल। रेहड़ी चालक को पीटने का फरीदाबाद से ये मामला सामने आया है। पीड़ित और अन्य चालकों ने थाने में दी शिकायत, पैसा वसूली करने की शिकायत हुई दर्ज। बड़ी खबर सामने आ रही है, पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। बड़ी खबर सामने आ रही है, बल्लभगढ़ में मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से ये खबर सामने आ रही है, फरीदाबाद में कुछ लोगों ने रेहड़ी चालक को पीटा, दो लोग गंभीर रूप से हुए घायल। बड़ी खबर सामने आ रही है, पीड़ित और अन्य चालकों ने थाने में दी शिकायत। बड़ी खबर सामने आ रही है, पैसा वसूली करने की शिकायत हुई दर्ज। जहां एक तरफ चुनाव चल रहा है, तो वहीं ऐसी खबरें भी मारपीट की सामने आ रही है। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, आरोप लगाया जा रहा है पुलिस पे। बल्लभगढ़ में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से ये खबर सामने आ रही है, रेहड़ी चालक को पीटा गया है। बड़ी खबर सामने आ रही है, फरीदाबाद में कुछ लोगों ने रेहड़ी चालक को पीटा, दो लोग गंभीर रूप से हुए घायल। तो सुबह 7 बजे से ही शाम 6 बजे तक के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। आज यूपी में दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है। 9 जिलों की 55 सीटों पर आज मतदान किया जा रहा है। तो वहीं विकास नगर, हरिद्वार, ऋषिकेश, पौड़ी, लक्सर, लालकुआ, उत्तराखंड में भी आज 70 सीटों पर चुनाव देखने को मिल रहा है। और तस्वीरें सामने आपकी स्क्रीन पर है। विकास नगर में भी लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। हरिद्वार, ऋषिकेश, पौड़ी, लक्सर, लालकुआ, सभी जगह से तस्वीरें सामने आ रही है। उत्तराखंड की 70 सीटों पर आज मतदान है। लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए अपने बूथों पर, नजदीकी बूथों पर जा रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। कई कंपनियां लगाई गई हैं, सुरक्षा की फोर्स लगाई गई है और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग भी करवाया जा रहा है और विकलांगों, वृद्धों के लिए भी खास व्यवस्था की गई है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है शांतिपूर्ण तरीके से। सुबह से उत्तराखंड में मतदान हो रहा है। अभी तक कोई भी उपद्रव या फिर अशांति या फिर ईवीएम खराब होने की कोई खबर उत्तराखंड से सामने नहीं आई है। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। उत्तराखंड की 70 सीटों पर मतदान जारी है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, हरिद्वार, ऋषिकेश, पौड़ी, लक्सर, लालकुआ, विकास नगर, सभी जगह पूरे इंतजाम किए गए हैं शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के। सुबह 7 बजे से वोट शुरू हो गया है। चुनाव में मतदान करने का सिलसिला सुबह से शुरू हो चुका है और शाम 5 बजे तक इसका समय होता है। लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके और इस सब का ध्यान रखते हुए 1 घंटे का समय बढ़ाया गया है। चुनाव आयोग की तरफ से 6 बजे तक वोटिंग चलती रहेगी। पौड़ी, लालकुआं, लक्सर, ऋषिकेश, विकास नगर, सभी बूथों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पौड़ी में वृद्ध पहुंची हैं और उन्होंने अपने मतदान का प्रयोग किया। देख सकते हैं आप, वो चलने में असमर्थ है लेकिन इसके बावजूद भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाती हुई नजर आई है। व्हील चेयर पे पहुंची है मतदान केंद्र और अपने मत का प्रयोग किया है। वहीं लालकुआं पे भी तस्वीरें देख सकते हैं आप, लालकुआं से तस्वीरें सामने आ रही है मतदान केंद्र की, जहां महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। काफी लंबी कतार देखने को मिल रही है लोगों की। महिलाओं की जो संख्या है वो आप देख सकते हैं किस तरह से पहुंची हुई है। मुंह कवर किया हुआ है क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल है और मास्क लगाना या फिर फेस को कवर करना काफी जरूरी होता है, उस चीज का ध्यान रखा गया है। लक्सर से भी तस्वीरें देख सकते हैं, हर वर्ग के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं लोकतंत्र के पर्व में। ऋषिकेश से भी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पे लोग अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। विकास नगर की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, लंबी भीड़ लगी हुई है, दिन का समय है और उत्तराखंड एक ऐसा जिला है, एक ऐसा राज्य है जहां पे ठंड इस वक्त भी अच्छी खासी पड़ रही है क्योंकि पहाड़ी इलाकों पे बर्फ पड़ी है, जिसकी वजह से अभी भी मौसम ठंडा है। और उत्तराखंड में आज 70 सीटों पर एक साथ चुनाव हो रहा है। लोग घरों से देर से निकले हैं लेकिन अपने मतदान का प्रयोग करने में चूक नहीं रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था देख सकते हैं, लक्सर में सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है। बड़ी कंपनियां लगाई गई हैं ताकि जो है शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराया जा सके। आज अहम दिन है उत्तराखंड के लोगों के लिए भी और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए भी। दोनों ही जगह एक साथ मतदान हो रहा है। आज गोवा में भी मतदान है और सभी दिग्गज आज पूरा दम झोंक रहे हैं अगले चरण के चुनाव के लिए। सभी तस्वीरें आपके लिए है, आपके स्क्रीन पर है। पौड़ी, लालकुआं, लक्सर, ऋषिकेश, विकास नगर और
प्राइम टीवी आपको सुबह से ही अपडेट दे रहा है, पल पल की चुनाव से जुड़ी हर एक अपडेट दे रहा है, वो चाहे उत्तराखंड से जुड़ी हो या फिर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हो, हर एक अपडेट आप तक पहुंचाई जा रही है, वो चाहे कहीं ईवीएम खराब होने की हो या फिर शांतिपूर्ण तरीके से अपने मत का प्रयोग करने की। आपको बता दें कि उत्तराखंड में आज सुबह से ही चुनाव हो रहा है, 7 बजे से शुरू हो गया है और कई बड़े दिग्गज पहुंचे अपने मत का प्रयोग करने, वो चाहे सीएम धामी हो, बाबा रामदेव हो, निशंक हो, सभी ने अपने मत का प्रयोग किया और जनता से अपील भी करी कि वो अपने मत का प्रयोग करें। तो वहीं पीएम मोदी समेत कई दिग्गजों ने भी और बड़े नेताओं ने भी जनता से अपील करी, पहले मतदान फिर जलपान। तो इस तरह से लोगों को प्रेरित किया जा रहा है ताकि वो अपने मत का प्रयोग करें और सही सरकार बनाने में, सही प्रत्याशी चुनने में अपना योगदान करें, क्योंकि जो आप मतदान करेंगे उसका असर आपको 5 साल तक देखने को मिलेगा, उसका फायदा या फिर नुकसान आपको 5 साल तक मिलेगा। और अब इस खबर पे हमारे से ज्यादा बातचीत के लिए कलियर से संवाददाता नौशाद जुड़ चुके हैं। नौशाद, जिस तरह से इस वक्त वोटिंग हो रही है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, हम जानकारी चाहेंगे कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं, उसके अंदर के मतदान को लेकर बहुत ही ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है और जैसे जनता से बातचीत की गई, जनता बता रही है कि अब की बार जैसे मतदान को लेकर एक मतदान को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है और जनता चाहती है कि विकास कार्य जो ऐसा प्रतिनिधि चुने जो हमारे बीच विकास कार्य करा सके, हमारे क्षेत्र में विकास कार्य करा सके, शिक्षा को लेकर इस तरीके से विधायक चुनना पसंद करेंगे। नौशाद, हर बार देखा गया है उत्तराखंड में एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी की सरकार आती है, तो कोई सरकार अभी तक दोहराई नहीं है और आम आदमी पार्टी भी इस बार जोर शोर से जनता के बीच उतरी है और बीजेपी कांग्रेस को निशाने पर लेती रही है, तो क्या लगता है जनता का रुझान क्या है, क्या आम आदमी पार्टी को इस बार चुना जा सकता है या फिर इसी तरह का खेल देखने को मिलेगा कांग्रेस और बीजेपी के बीच? जी हाँ, मैं आपको बता दूं, जैसे जनता का रुझान है, जनता का कहना है कि जैसे आम आदमी पार्टी नई आई है, उसकी कोई अभी जड़ नहीं है, तो इस तरीके से उसे जनता पसंद नहीं कर रही है, अभी कम है बहुत ज्यादा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हर एक खबर पे अपडेट देते रहिए और नजर बनाए रखिए नौशाद, हमारे साथ संवाददाता कलियर से जुड़े थे। और अब हमारे साथ संवाददाता अमित जुड़ चुके हैं ऋषिकेश से इसी खबर पे। अमित, क्या कुछ जानकारी है, अब तक कितने प्रतिशत मतदान हो चुके हैं ऋषिकेश में? और लगभग 37% मतदान ऋषिकेश विधानसभा में हो चुका है, जिसमें युवा मातृशक्ति के साथ साथ जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो भी अच्छा भाग ले रहे हैं अपने मतदान करने में और लगातार मतदान का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। अगर मौसम साफ रहा और तो मतदान की जो प्रतिशत है उसमें बढ़ोतरी होगी। जी, ऋषिकेश में जिस तरह से ठंड का माहौल है और इस बीच चुनावी सरगर्मी है, तो क्या लोग सुबह से ही लाइन में लगते हुए अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आए? अमित जी, सुबह से देखा गया जिस तरीके से मतदान को लेकर मतदाताओं में उत्साह था, तो सुबह ही 7:30 बजे से लोगों ने लाइन पे लग गए थे और 8 बजे से मतदान शुरू हुआ। तो ये जैसा कि देखा जा रहा है कि अभी बीच में थोड़ा मतदाता घर से कम निकल रहे हैं, दोपहर का समय है अभी, लोग अपना लंच का समय है, तो ये थोड़ा ब्रेक लेकर इसके बाद जो मतदान का 1 घंटा बढ़ाया गया है इसको देखते हुए जो मतदान है वो अभी कुछ देर में दोबारा से रेस पकड़ने वाला है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम खबरों पे नजर बनाए रखिए, चुनाव की हर एक अपडेट देते रहिए। हमें हमारे साथ ऋषिकेश से संवाददाता जुड़े थे। तो उत्तराखंड का भी प्रतिशत सामने आ गया है, 1 बजे तक रुद्रप्रयाग में 34.82% मतदान हुआ है, देहरादून में 34% मतदान हुआ है, नैनीताल में 37.41% मतदान हो चुका है, उत्तरकाशी में 40% मतदान हुआ, पौड़ी गढ़वाल में 31.05% मतदान हो चुका है, रुद्रप्रयाग में 34.82% मतदान हुआ है, पिथौरागढ़ में 37.28% मतदान हुआ है 1 बजे तक, बागेश्वर में 32.05% मतदान हुआ है, रुद्रप्रयाग में 34.82% मतदान, देहरादून में 34.94% मतदान
नैनीताल में 37.41%, उत्तरकाशी में 40%, चंपावत में 34.66%, टिहरी में 32.55% मतदान हुआ है 1 बजे तक। रुद्रप्रयाग की बात करें तो 34.82% मतदान हुआ है। पिथौरागढ़ में 37.28% मतदान हुआ है। बागेश्वर में 32.05% मतदान 1 बजे तक हो चुका है। अल्मोड़ा में 31.90%, खटीमा में 40.03% मतदान हुआ है। कुल 35% 1 बजे तक देवभूमि में मतदान हो चुका है। नैनीताल में 37.41% मतदान हुआ है। पौड़ी गढ़वाल 31.05%, रुद्रप्रयाग में 34.82%, पिथौरागढ़ में 37.28%, बागेश्वर में 32.05%, 1 बजे तक मतदान हो चुका है। तो उत्तराखंड में लगातार मतदान की प्रक्रिया जारी है। रुद्रप्रयाग, देहरादून, अल्मोड़ा, खटीमा सभी जगह से आंकड़े सामने आ चुके हैं और अब तक 35% मतदान हो चुका है। नैनीताल, उत्तरकाशी, चंपावत, टिहरी, उत्तरकाशी में 40% मतदान हुआ है और लगातार लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, ऊधम सिंह नगर में 40% मतदान हुआ है। पिथौरागढ़ में 37.28% मतदान हुआ है। तो उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में दोनों जगह मतदान चल रहा है और देखने को मिल रहा है कि उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश से कहीं पीछे नहीं है और दोनों ही जगह तेजी से मतदान चल रहा है क्योंकि धूप खिल चुकी है, दिन में ठंड कम है, लोग अपने घरों से निकल रहे अपने मत का प्रयोग करने के लिए उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। 1 बजे तक के आंकड़े बता रहे हैं आपको, 35% मतदान हो चुका है उत्तराखंड में। पौड़ी गढ़वाल में 31.05% मतदान हो गया है। रुद्रप्रयाग में 34.82% मतदान हो चुका है 1 बजे तक। पिथौरागढ़ में 37.28% मतदान हो चुका है। खटीमा में 40.03%, अल्मोड़ा में 31.90%, देहरादून में 34.94%, नैनीताल में 37.41%, 1 बजे तक मतदान हो चुका है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, लगातार मतदान जारी है। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड दोनों जगह अच्छा खासा मतदान देखने को मिल रहा है। वहीं उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर आज मतदान शुरू हो गया है। यहां 632 उम्मीदवार मैदान में है। वहीं उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर की बाजपुर सीट पर लगातार लोग पोलिंग बूथ पर आकर अपने मतदान का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बार इस सीट से बीजेपी के राजेश कुमार, कांग्रेस के यशपाल आर्य और आम आदमी पार्टी से सुनीता चमटा चुनावी मैदान में है। वहीं बाजपुर विधानसभा के ग्राम पंचायत बिराहा में धीमी गति से वोटिंग करने का आरोप लगाया जा रहा है। धीमी गति से वोटिंग कराने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने बताया कि 3 घंटे में भी उनका नंबर नहीं आ रहा है। लोग लंबी लाइन लगा रहे हैं और धीमी वोटिंग का अब आरोप भी लग रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, पौड़ी, लालकुआ, लक्सर, ऋषिकेश, विकास नगर की तस्वीरें सामने आ रही जहां लोग लंबी कतारों में लगे अपने नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी वजह तो नहीं है, काम तो चल रहा है कंटिन्यू। थोड़ा ही कर्मचारी की ज्यादा जरूरत है, मैं कर्मचारी आने वाला है, ठीक है, काम पिक गया और तेजी हो रहा है। ये कम से कम 30% ऊपर हो गई, 30% ऊपर हो चुकी है जी। हम बाजपुर विधानसभा के बिराहा पर खड़े हैं। यहाँ पर मतदाताओं का आरोप है कि वोटिंग बहुत स्लो की जा रही है। हमारे साथ कुछ मतदाता जो लाइन में लगे हैं उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कब से लाइन में खड़े हैं। भैया कब से खड़े लाइन में? 11 बजे से। अभी तक वोट का नंबर नहीं आया आपका? कुछ और लोग भी हैं उनसे जाने के। आप कब से खड़े भैया? 11 बजे से। नंबर नहीं आ रहा? और भी बहुत सारे लोग हैं मतदाता ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ वोटिंग बहुत स्लो की जा रही है, लेकिन और भी लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। और आगे बहुत सारे लोग हैं, लाइन लंबी लाइन लगी है, उनसे जानने के लिए हो रहा है। भैया कब से खड़े हैं आप कब से खड़े हैं भैया? 11 बजे या 11 बजे से भैया? 11 बजे भैया जी, बहुत धीरे वोटिंग चल रही है पहाड़पुर की। 11 बजे हैं। हाँ जी, ठीक है, और लोग भी हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ द्वारा वोट लगाया जा रहा है, स्लो की जा रही है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इतनी स्लो अगर वोटिंग रहेगी तो फिर मतदान न होना पॉसिबल कैसे है? जहां एक और प्रशासन लगातार मतदान के लिए प्रेरित कर रहा है, वहीं पर यहां पर ग्रामीणों का आरोप है कि वोटिंग बहुत धीरे कराई जा रही है। प्राइम टीवी के लिए बाजपुर से मैं अपने सहयोगी सलीम रजा के साथ गुलवेज खान आज़ाद जी। हम बाजपुर विधानसभा के बिराहा पर खड़े हैं। यहाँ पर
तो बाजपुर में हमारे संवाददाता ने जायजा लिया और मतदाताओं से जाना कि उनको कितनी देर लग रही है अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए। तो ये चीज निकल के सामने आई, मतदाताओं ने बताया कि 11 बजे से लाइन में लगे हैं और अभी तक उनका नंबर नहीं आया है। तो आरोप लगा रहे मतदाता कि बहुत धीमी रफ्तार से हो रहा है चुनाव और मतदान, और मतदान के लिए लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लंबी कतारें लगी हुई हैं। उत्तराखंड में चुनाव हो रहा है आज 70 विधानसभा सीटों पर आज चुनाव हो रहा है। 1 बजे तक 35% मतदान हुआ है और 35% इसीलिए भी हम कह सकते हैं क्योंकि रफ्तार सुस्त नजर आ रही है, मतदान की भीड़ लगी है लेकिन बहुत धीरे धीरे मतदान हो रहा है। हमारे संवाददाता ने जायजा लिया, जनता से बात करी, मतदाताओं से बात करी और जाना कि 11 बजे से वो लाइन में लगे हैं और अभी तक उनका नंबर नहीं आया है और धीरे चुनाव अपना मतदान का प्रयोग करने के लिए उनको काफी लंबे समय से लाइन में खड़े होना पड़ा है और उनको काफी समय से इंतजार करना पड़ रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, विकास नगर से भी, हरिद्वार, ऋषिकेश, पौड़ी, लक्सर, लालकुआं, सभी जगह से तस्वीरें सामने आ रही है। सभी जगह लाइन लगी हुई है, लोग अपने मतदान के लिए पहुंच रहे हैं लेकिन उनको काफी समय भी लग रहा है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन हर चुनावी अपडेट के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।